नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस स्पेशल वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाली सीरीज के बारे में और पाकिस्तान टीम में हुए हेल्थ इश्यूज के बारे में। साथ ही जानेंगे ब्रॉडकास्टिंग चैनल, मैच टाइमिंग और वेन्यूज के बारे में। तो बस आप देखते रहिए इस वीडियो को पूरे अंत तक। तो दोस्तों, टूर पे जाने से पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी दे दी और इस प्रकार अब बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम के कप्तान बन चुके हैं। पीएसएल के खत्म होते ही पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुई, लेकिन ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमा में COVID-19 के लक्षण देखे गए और इस कारण उसे पूरे टूर से बाहर होना पड़ा। फिर टीम न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च पहुंची, जहां नियम के मुताबिक पूरी टीम को क्वारंटाइन रहना था, लेकिन खबर आ रही है कि न्यूजीलैंड पहुंची पूरी स्क्वाड में 6 सदस्य अब COVID-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां दोस्तों, और साथ ही सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चला कि कुछ सदस्यों ने क्वारंटाइन नियम का उल्लंघन किया था और इस कारण टीम को एक वार्निंग भी मिल चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि अब आगे क्या होता है। अब बात करते हैं पूरे दौरे पर खेले जाने वाले मैचेस के बारे में। तो 2-4 दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेले जाएंगे जो न्यूजीलैंड ए और पाकिस्तान ए के बीच 10 से 13 और 17 से 20 तारीख तक होंगे। इसी दौरान 18 दिसंबर को ऑकलैंड में पहला T20 मैच खेला जाएगा, जिसके एक दिन बाद यानी 20 दिसंबर को दूसरा T20 मैच हैमिल्टन में होगा। 22 दिसंबर को तीसरा और अंतिम T20 मैच नेपियर में होगा। तो इस प्रकार 3 मैचों की T20 सीरीज होगी और सभी मैचेस भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11:30 से शुरू हो गए। वही पाकिस्तान में सुबह 11 से ही मैच शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं टेस्ट मैच की। तो 26 से 30 दिसंबर के दौरान पहला टेस्ट मैच माउंट मंगनुई में खेला जाएगा और दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च में 3 से 7 जनवरी तक खेला जाएगा और दोनों टेस्ट मैच भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:30 से शुरू हो गए और पाकिस्तान में सुबह या कहेगा रात को 3 से शुरू हो गए। दोस्तों, टाइमिंग की दिक्कत तो होगी ही, क्योंकि न्यूजीलैंड दुनिया में टाइम के मामले में सबसे आगे है। GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम से तुलना करें तो इंडिया 5.5 घंटे आगे है, वही पाकिस्तान 5 घंटे और न्यूजीलैंड की बात करें तो वो 13 घंटे आगे है। इसीलिए मैचेस इतने जल्दी शुरू होते हैं। और अब अंत में बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स की। तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि सभी मैचेस सोनी स्पोर्ट नेटवर्क पर देखने को मिलेंगे, लेकिन इस पर जैसे ही कोई अपडेट आती है तो उसकी जानकारी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दी जाएगी। तो कमेंट देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बात पाकिस्तान की करें तो PTV स्पोर्ट, 10 स्पोर्ट और जियो सुपर पे आप मैचेस देख सकेंगे और T20 और टेस्ट मैच के लिए अनाउंस हुई स्कोर भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और दी गई जानकारी में से आगे कोई भी बदलाव होता है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दिया जाएगा। और साथ ही आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो बस दोस्तों, यही था इस बार के खास वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्रिकेट से जुड़े कुछ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।